रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी अब जल्द ही मिठाई बेचने जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए अंबानी की कंपनी रिलायंस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो क्या अब हलवाई के पेशे में भी उतरेंगे मुकेश अंबानी? दीपावली का त्योहार नजदीक है। इस त्योहार में भारतीय मिठाई बाजार में करीब 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। बात जहां बड़े कारोबार की हो, उसमें भला एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार मुकेश अंबानी भला कैसे पीछे हट सकते हैं। इसी अवसर को भुनाने अब उनकी कंपनी रिलायंस ने मिठाई बाजार में भी उतरने का ऐलान कर दिया है। देश भर में स्थापित रिलायंस के रिटेल स्टोर्स में अब आप मिठाई का भी स्वाद चख पाएंगे। रिलायंस ने अपने 50 से भी अधिक स्टोर्स पर मिठाइयां बेचनी शुरू भी कर दी है। रिलायंस ने अपनी मिठाइयों पर अलग दावा किया है। उसका कहना है कि बाजार में उच्च क्वालिटी की मिठाइयों के साथ साथ त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयां भी खपत के लिए उतारी जाती हैं, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती हैं। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। रिलायंस ने कहा कि हम ग्राहकों को उच्च क्वालिटी की गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां उपलब्ध करवाएंगे, वो भी न्यूनतम दामों में। इसकी शुरुआत 50 स्टोर से हो भी चुकी है और धीरे धीरे दिवाली तक देश भर के विभिन्न स्टोर पर ये उपलब्ध हो जाएंगी। रिलायंस ने इसके पीछे अपनी समाज सेवा की मंशा भी बताई है। रिलायंस के मुताबिक इससे छोटी दुकानें क्षेत्रीय बाजारों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद पहुंचा सकेंगी। जिन मशहूर मिठाइयों को बेचा जाएगा उसमें तिल बेसन लड्डू, घसीटा राम का मुंबई हलवा, प्रभुजी का दरबेश लड्डू और मेथीदाना लड्डू, दूध मिष्ठान भंडार का मालपुआ, लाल स्वीट्स का मैसूर पाक और धारवाड़ पेड़ा शामिल है। राजस्थान के एक मशहूर हलवाई हैं चवन्नी लाल, जिनकी नई पीढ़ी 70 साल पुरानी दुकान की मिठाइयों और नमकीन को अजमेर की गलियों से निकालकर देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहती थीं। इन पर मुकेश अंबानी की नजर पड़ी और इन्होंने इन पेशेवर हलवाइयों को अपने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव दे डाला। इस प्रस्ताव के बाद से बिक्री दोगुनी हो गई है, क्योंकि कंपनी ने ऑटोमेशन और बड़े पैमाने पर उत्पादन की जानकारी दी। इनकी दुकान को रिलायंस रिटेल ने एक राष्ट्रीय दुकान बना दिया है। आपको बता दें कि रिलायंस संगठित मिठाई बाजार में बड़ा अवसर देख रही है। रिलायंस रिटेल के मुताबिक पारंपरिक मिठाइयां किसी खास इलाके में सिमट कर न रह जाएं, ये देश के कोने कोने में पहुंचे, जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का रसगुल्ला तमिलनाडु के ग्राहक का मुंह मीठा कर सकता है, ऐसी मंशा है। पारंपरिक मिठाइयों की बिक्री बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल ने स्टोर्स में मल्टीपल बे और फ्री स्टैंडिंग यूनिट्स बनाई है, जैसा चॉकलेट बेचने के लिए रिटेल स्टोर्स करते हैं। रिलायंस रिटेल क्षेत्रीय मिठाई निर्माताओं को सिंगल सर्व पैक विकसित करने में भी मदद कर रही है। अगर ग्राहक चाहे तो घाना की डार्क चॉकलेट की जगह देसी मैसूर पाक या लड्डू का एक छोटा पैक खरीद सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।